हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एबक प्रिंसिपल किया था। उसमें हमने क्या किया था कि जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम पुट करेंगे और ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, हम इलेक्ट्रॉन्स को उसके अकॉर्डिंग ही पुट करते चले जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, उसके लिए हमने एक ट्रिक भी की थी जो कि लास्ट लेक्चर में आपने देखी है, आप देख भी सकते हो। और उसके अलावा हमने n प्लस एल रूल भी किया था। ठीक है, अल्टरनेट जो हमने जो मेथड उसके लिए किया था, अपनाया था एनर्जी के लिए, वो था n प्लस एल रूल, जो कि बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। और हमने बोला था कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू, जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू कम होती है उसी की एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन उसमें ही पहले पुट होते हैं। क्लियर है? ठीक है। और हमने एग्जांपल भी दे दिया था कि जैसे 1s और 2s ऑर्बिटल है, इसकी n की वैल्यू क्या है, 1 है, l की वैल्यू क्या है, 0, तो n प्लस l क्या बना, 1 बना। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, l क्या है, 0 है, तो n प्लस l क्या बना, 2। ठीक है, तो जिसकी n प्लस l वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में पुट होगा। ठीक है, ये बात हमारी हो चुकी थी। तो नेक्स्ट आज हम करते हैं ओली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ जी, हमारा टॉपिक रहेगा आज का ओली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कि बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाँ जी, आप रिसेंटली वीडियोस में भी देख चुके हो, ये रिसेंटली जो लेक्चर्स हुए थे, ठीक है, उसमें भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। ठीक है, और उसमें आपने क्या पढ़ा था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, कि जो दो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के, उनका जो क्वांटम नंबर का सेट है वो सेम नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ जी। और दूसरी डेफिनेशन, उसको आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिया था। दूसरी डेफिनेशन आपने इसमें पढ़ी थी कि एन ऑर्बिटल कैन हैव, हाँ जी, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अपोजिट या Having opposite spin. क्लियर है? हाँ जी। आज हम इस डेफिनेशन को बड़े डिटेल से, हम बड़े अच्छे से इसको समझेंगे। क्लियर है? पहले तो बात उसने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते। दूसरी बात उसने क्या बोली, जो ऑर्बिटल है उसके पास मैक्सिमम तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, और बात ये भी हो चुकी थी हमारी कि जो एक ऑर्बिटल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते थे किससे, एक बॉक्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, अब उसने बोला कि मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी अपोजिट क्या होगी, स्पिन होगी। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं एक की स्पिन ये होगी, एक को रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूं एरो से जो कि स्ट्रेट एरो है, और दूसरा होगा हमारे पास रिवर्स एरो। क्लियर है? हाँ जी, दोनों की क्या है, स्पिन अपोजिट है, जो हमारे पास स्ट्रेट एरो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, जो उसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करने की न्यूक्लियस के चारों ओर, वो क्या है, क्लॉकवाइज है। और जो रिवर्स एरो है वो क्या शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉक
वाइज, ठीक है। तो उसने यही बोला है कि ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो अगर आप ये स्पिन करते हो, अगर इलेक्ट्रॉन पुट करते हो किसी भी ऑर्बिटल में और आपकी स्पिन ये हुई, इस तरह से आपकी स्पिन हुई, तो वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। वो ओरिएंटेशन आपकी क्या रहेगी, इनकरेक्ट रहेगी, ठीक है। हां जी, या फिर आपकी ओरिएंटेशन इस तरह से है तो वो भी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की क्या होगी, अपोजिट स्पिन। तो आपके पास जो करेक्ट ओरिएंटेशन रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत टाइम ये आ चुका है, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हाँ जी, हंड्स रूल क्या बोलता है, हंड्स रूल बोलता है कि जो पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स है उसमें हम जो इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, ठीक है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं तो तब तक हम पेयरिंग नहीं करा सकते हर एक ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, क्लियर है, ठीक है। जब तक पेयरिंग हम नहीं करा सकते पी डी एंड एफ ऑर्बिटल में, नॉट एस ऑर्बिटल, क्लियर है, पी डी एंड एफ ऑर्बिटल में, ठीक है, जब तक हम पेयरिंग नहीं करा सकते जब तक हर एक जो ऑर्बिटल है किसी भी सबशेल की वो एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ना कर ले। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एफ ऑर्बिटल कैन नॉट अकर्स, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एफ ऑर्बिटल्स आर कैन नॉट अकर्स अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ एन सबशेल, ईच ऑर्बिटल ऑफ एन सबशेल ऑक्यूपाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। क्या बोला उसने कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पी डी एफ ऑर्बिटल में तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल उस सबशेल की ऑक्यूपाइज ना कर ले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब सभी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लेंगी एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो और तब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गया तो मैं क्या करा सकता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा सकता हूं, ठीक है, हां जी। और मैं ये बोल सकता हूं जो जितने भी सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, हां जी। नोट बना के मैं ये भी बोल सकता हूं ऑल द सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, क्लियर है, हर एक की स्पिन क्या होगी, पैरेलल रहेगी, क्लियर है, ठीक है, हां जी। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं और इस एग्जाम्पल में हमारे जो क्वांटम नंबर है वो भी रिमाइंड हो जाएंगे, ठीक है, हां जी। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मुझे पता है 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, क्लियर है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, हां जी। मैं क्या करता हूं, जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है, पढ़ चुके हो आप, ठीक है। जो सेकंड सेल है उसमें आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप क्वांटम मैकेनिक्स कर चुके हो,
ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स कर चुके हो, उसमें आपको पता है एक शेल है, उसके अंदर भी क्या होती है, सबशेल प्रेजेंट होती है, क्लियर है। हां जी, अगर मैं n इक्वल टू 1, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, n इक्वल टू 1 की बात करता हूं, n इक्वल टू 1 की बात करता हूं, तो उसके पास एक सबशेल प्रेजेंट होगी, क्लियर है। n इक्वल टू 1 है तो उसके पास एक सबशेल, n की वैल्यू क्या होगी, 0 टू 1 माइनस 1 मींस 0, क्लियर है, और 0 l की वैल्यू होती है तो उसको बोलते हैं s, तो हमारे पास कौन सी सबशेल आई, 1s, ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए क्या आई थी हमारे पास, 1s सबशेल आई थी, क्लियर। हां जी, फिर मैं बात करता हूं n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास n इक्वल टू 0 टू 2 माइनस 1 1 आया है, n इक्वल टू 0 से 1, 0 और 1, 0 के लिए हम बोलते हैं क्या s, और 1 के लिए l क्या होगा p, तो मैं शेल बोल सकता, इसमें सबशेल बोल सकता हूं, कौन कौन सी है, 2s है और 2p है, ठीक है, 2s है सेकंड जो शेल है, उसमें सबशेल कौन सी है, 2s है और 2p है, क्लियर है। अब मैं ml की वैल्यू देखता हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इसमें देखता हूं, ठीक है, 2s में देखता हूं, हां जी, l क्या है हमारे पास 0, ml क्या है माइनस 0 टू प्लस 0 मींस 0, तो मैं बोल सकता हूं इसमें क्या होगी, एक ही ऑर्बिटल होगी या एक ही बॉक्स होगा, बॉक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारी बनी है 2s, 2s सबशेल, क्लियर। हां जी, 2p के लिए देखता हूं मैं, 2p के लिए l इज इक्वल टू क्या, p के लिए 1, ml क्या है माइनस 1 टू प्लस 1 माइनस 1 0 और प्लस 1, ठीक है, हमारे पास क्या है, तीन बॉक्स मैं बोल सकता हूं, माइनस 1 के लिए, 0 के लिए और प्लस 1 के लिए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2p, क्लियर है। 2p ऑर्बिटल मींस s के लिए क्या होगी, एक ही ऑर्बिटल होगी, ठीक है, s सबशेल के लिए एक ही ऑर्बिटल होगी, p के लिए हमारे पास क्या होगी, तीन ऑर्बिटल होगी, या फिर जिसको हम अगर एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट्स की टर्म में बोलते हैं तो 2pz बोलते थे, 2px बोलते थे और 2py बोलते थे, क्लियर, ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है। अब मैं देखता हूं, आपको पता था कि नाइट्रोजन के केस में दो तो इसमें दिए थे n इक्वल टू 1 में, लेकिन इसमें क्या है, एक ही सबशेल है जो कि क्या है 1s है, ठीक है, और 1s में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, या फिर s में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होती है, तो मैं लिख सकता हूं नाइट्रोजन के लिए, हां जी, 1s, 1s, ये 1s सबशेल है हमारे पास, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है ना, नहीं पॉली एक्सक्लूजन ने बोला है तो अपोजिट स्पिन रखनी पड़ेगी हमें, क्लियर है, पॉली एक्सक्लूजन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि क्या है, अपोजिट स्पिन कैरी करता है। फिर उसके बाद उसने बोला सेकंड शेल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, बट सेकंड शेल में क्या है, दो सबशेल हमारे पास होती है, एक तो 2s और एक 2p, ठीक है, हां जी, 2s है जो, उसके पास हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिटल है, 2s के पास हमारे पास, 2s के पास क्या है, एक ऑर्बिटल, तो ये मेरे पास आया 2s, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या हो गया, एक ऑर्बिटल में, पॉली ने क्या बोला है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हां जी, इसमें मैक्सिमम दो आ सकते हैं, तो ठीक है, मैंने दो अपोजिट जो स्पिन है उसके पुट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2p, 2p नाइट्रोजन के केस के लिए हमारे पास बचती है 2p, हां जी, 2p में हमारे पास कितनी जो ऑर्बिटल है, तीन ऑर्बिटल है, 1 2 एंड 3, हां जी, तीन ऑर्बिटल हमारे पास आ गई 2p में, 2p में हमारे पास तीन ऑर्बिटल आ गई है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं, तीन बच गए हैं, दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए, चार, तीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, और हुंड रूल क्या बोलता है, p d एंड f ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उनको कैसे पुट करोगे, ठीक है। हां जी, आपके पास क्या-क्या ऑप्शन है, आप सबसे पहले तो क्या कर सकते हो, हां जी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें पुट कर दिया इस ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन
इस ऑर्बिटल में आपने पुट कर दिया है, ठीक है। हां जी, या फिर और आपके पास क्या है, एक तो 1s में तो आ गए दो, 2s में भी आ गए आपके पास दो, 2p में बचते हैं कितने, तीन, ठीक है, तीन बचते हैं। आप क्या कर सकते हो, दो इसमें कर सकते हो और एक इसमें कर सकते हो, क्लियर है। हां जी, या फिर 2p में, या फिर आप कर सकते हो 1s में आपने दो पुट कर दिए, ये तो फिक्स है ही, 2s में, या फिर मुझे पता है इनमें दो पुट क्यों किए, पहले क्यों पुट किए, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, कम है, आप n प्लस n रूल से देख भी सकते हो। हां जी, ये 2p है आपके पास, आप इस तरह से भी पुट कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। हां जी, अब मैं देखता हूं कि इसमें करेक्ट जो ओरिएंटेशन है वो कौन सी होगी, करेक्ट ओरिएंटेशन कौन सी होगी। हां जी, देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, हुंड्स रूल की बात करेंगे सबसे पहले, तो हुंड्स रूल ने क्या बोला था कि पी डी एंड एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब करेंगे, जब तक सारे इलेक्ट्रॉन, जब तक हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक नहीं करेंगे, जब तक सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाते। तो इसका मतलब जो ये है सेकंड केस है, पहले इस पे आते हैं हम, जो सेकंड केस है वो तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, मींस उसने क्या किया, ये तो सिंगली ऑक्यूपाइड सारे हुए भी नहीं थे और इसने पेयर भी करवा दिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होते तब तक पेयर नहीं करवाना है, ठीक है, बट इसने पेयर करवा दिए हैं, ठीक है, जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हुए थे, तो ये तो इनकरेक्ट आ गया, क्लियर। दूसरी बात, स्पिन, मैंने एक नोट लिखवाया था आपको कि जो स्पिन होती है, ठीक है, स्पिन होती है सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है, जो स्पिन होती है वो पैरेलल रहेगी। हां जी, अब आपके पास है ये तीनों इलेक्ट्रॉन है, क्या इनकी जो स्पिन है वो पैरेलल है, बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है पैरेलल है, ठीक है, बट जो इनकी स्पिन है वो पैरेलल नहीं है, क्लियर है। तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन हमारे पास हो गई है, ठीक है। हां जी, ये स्पिन हमारे पास पैरेलल है, तो ये हमारे पास करेक्ट ओरिएंटेशन आ चुकी है, ठीक है। तीसरी बात, आपने इसमें देखा है जो आपने हेडिंग लिखी है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, जो उनकी स्पिन है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए, और जितनी ज्यादा मैक्सिमम आएगी उतनी ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्लियर है, उतनी ही उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, स्टेबल होगी या ठीक होगी, करेक्ट होगी, क्लियर। हां जी, इसमें देखते हैं हमें क्या देखने, सिंगली इलेक्ट्रॉन्स की, सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें देखो सिंगली, ये तो क्या है, ये तो क्या है, पेयर बना रखे हैं, सिंगली तो नहीं है, सिंगली ये है। हां जी, इसकी स्पिन क्या बनती है, प्लस 1/2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की भी बनती है प्लस 1/2, थर्ड इलेक्ट्रॉन की भी बनती है प्लस 1/2, और ये बनती है हमारे पास 3/2, क्लियर। हां जी, इसकी स्पिन देखो, इसकी स्पिन ओनली सिंगली तो यही है सिर्फ, प्लस 1/2 बनती है। हां जी, इसकी स्पिन बनती है हमारे पास प्लस 1/2, और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी माइनस 1/2, हां जी ये क्लॉकवाइज है तो प्लस 1/2, क्लियर है। तो ये हमारे पास आया है 1/2, ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है, जो हमारे पास हमने सबसे पहले ओरिएंटेशन दे रखी है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, और वही हुंड्स रूल बोलता है कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो ओरिएंटेशन क्या होगी, करेक्ट होगी, वो ओरिएंटेशन ठीक होगी, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन उसने किया था, तो नाइट्रोजन की जो करेक्ट जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, वो क्या रहेगी, इस तरह से रहेगी, ठीक है, 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p में तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं एक और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, ठीक है। हां जी, तो मैं बोल सकता हूं सबसे पहले तो डायरेक्टली कर रहा हूं एक बार, ओरिएंटेशन 1s में आप करना इसको, ठीक है, अच्छे से आप एक्सप्लेन करना, जैसे कि इसमें किया था नाइट्रोजन के केस में। हां जी, 1s में आएंगे दो इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स है,
2s में भी आएंगे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन, बचा क्या 2p, हां जी 2p है आपके पास, 2p है। तो सबसे पहले हां जी हुंड रूल क्या बोलता है, मैं ओरिएंटेशन दे सकता हूं आपको, एक तो ये हो सकती है ओरिएंटेशन, क्लियर है, या फिर 2p की ओरिएंटेशन, बचे कितने, चार इलेक्ट्रॉन बचते हैं, दो और दो चार में पुट कर देता हूं इसमें, क्लियर है, ये भी ओरिएंटेशन हो सकती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हुंड रूल ने क्या बोला है कि पी डी एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पुट तब तक नहीं करेंगे या इलेक्ट्रॉन पेयर तब तक नहीं बनाएंगे जब तक, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हमारे पास हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, ठीक है। हां जी, तो ये तो है हमारे पास पी ऑर्बिटल, यहां पर हमारे पास है, ठीक है। हां जी, हमने क्या किया, चार इलेक्ट्रॉन हमने पुट करने थे, तो पहले एक पुट किया, दो पुट किए, तीन पुट किए, ठीक है। हां जी, हर एक में क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, पेयर करा सकता हूं, ठीक है, पेयर करा सकता हूं, और मैंने पेयर करा दिया, ठीक है। ये ओरिएंटेशन मेरी करेक्ट है, आपको लग रहा होगा कि पेयर तो मैं इस तरह से भी करा सकता था, ये भी पेयर बन रहा है हमारे पास, लेकिन मेरी ओरिएंटेशन ये गलत होगी, किसके अकॉर्डिंग, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। मींस उसने क्या बोला था कि अगर पेयर आप करवा रहे हो तो उनकी जो स्पिन है वो क्या होगी, अपोजिट रहेगी, ठीक है। हां जी, तो आपको अपोजिट स्पिन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आप पेयर भी करा रहे हो तो अपोजिट स्पिन भी आपको रखनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये क्या है, ओरिएंटेशन आपकी क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। बट इसमें क्या किया, उसने पेयर पहले ही करा दिया, सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल को कराया ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन होगी, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में, और आपको ट्राई करना है, जैसे फ्लोरीन का भी आपको ट्राई करना है, नियोन का भी आपको ट्राई, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नियोन में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन का आपको ट्राई करना है, 6 होता है, ठीक है, एज इट इज चलेगा आपके पास, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।